नाउ ऐश का हर एक रीजन में सफर अब तक काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है एंड इन अमेजिंग जर्नीज में ऐश ने काफी अच्छी टीम्स का इस्तेमाल किया है। वेल अभी रिसेंटली ही हमने ऐश की जोटो और यूनोवा टीम के बारे में बात की थी और देखा था कि आखिर क्यों ऐश की ये टीम इतनी ज्यादा अंडररेटेड है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐश की डायमंड एंड पर्ल की टीम यानी कि सिनो रीजन की टीम के बारे में और देखेंगे कि आखिर कैसे ऐश की ये टीम नियरली परफेक्ट थी और आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि इस टीम को इतना ज्यादा ऑसम बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो पोकेमॉन एनिमे की डायमंड एंड पर्ल सीरीज में ऐश के पास टोटल 6 पोकेमॉन्स थे इंक्लूडिंग पिकाचू, पर उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे बिकॉज पिकाचू मेनली इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो ऐश की सिनो टीम में थे स्टारली जो कि आगे जाकर इवॉल्व हुआ था स्टारैप्टर में, टर्टविक जो कि इवॉल्व हुआ था टॉर्टेरा में, चिमचार जो कि उसके फाइनल एवोल्यूशन इन्फर्निप तक इवॉल्व हुआ था, वुइजल जो कि उसने ट्रेड किया था, ग्लाइगार जो कि इवॉल्व हुआ था ग्लाइस्कोर में और गिबल जो कि इवॉल्व नहीं हुआ था। तो इन पोकेमॉन्स को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि ऐश की ये टीम कितनी ज्यादा अमेजिंग थी, सिर्फ पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि टाइप वेरिएशन के नजरिए से भी, क्योंकि इस टीम में ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट टाइपिंग्स को ऐश ने कवर कर लिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश के स्टारैप्टर की। नाउ ऐश ने स्टारैप्टर को सबसे पहले एक स्टारली के रूप में पकड़ा था और ये पोकेमॉन स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्किलफुल था और ऐश की टीम को ज्वाइन करते ही इस पोकेमॉन ने ऐश के साथ एक काफी अच्छा कनेक्शन बना लिया था। एक स्टारली होने के बावजूद ये पोकेमॉन ऐश की काफी ज्यादा मदद कर रहा था एंड सून इनफ टीम रॉकेट के अगेंस्ट एक बैटल में ये पोकेमॉन इवॉल्व हुआ इसके सेकंड फॉर्म स्टारेविया में एंड स्टारेविया में पहुंचने के बाद ये पोकेमॉन ऐश के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल बन गया बिकॉज इस पोकेमॉन ने ब्रेव बर्ड और एरियल एज जैसे पावरफुल मूव्स को इजीली मास्टर कर लिया एंड उसके बाद जल्द ही ये पोकेमॉन इवॉल्व हो गया इसके फाइनल फॉर्म यानी कि स्टारैप्टर में। तो श्योरली इस पोकेमॉन ने इस सीरीज में अपनी फेयर शेयर ऑफ बैटल्स खेली है एंड स्टारैप्टर ने अपने आप को हर एक बैटल में काफी ज्यादा प्रूव किया था। इस पोकेमॉन की ट्रेनिंग भी काफी अमेजिंग थी एंड श्योरली ये ऐश के वन ऑफ द बेस्ट बर्ड पोकेमॉन्स में से एक जरूर है। नाउ इस सीरीज में ऐश का सेकंड पोकेमॉन था एक टर्टविग एंड ये पोकेमॉन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद था बिकॉज इसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। टर्टविग एक काफी ज्यादा ब्रेव एंड हाईली कॉन्फिडेंट पोकेमॉन था जो कि अपनी पावर को काफी अच्छी तरीके से शोकेस कर रहा था इस पूरी सीरीज में। ऐश ने इस पोकेमॉन को जिम्स और बाकी बैटल्स में काफी ज्यादा यूज किया एंड ये पोकेमॉन बैटल में काफी ज्यादा स्पीडली अटैक किया करता था, पर ये पोकेमॉन जब इवॉल्व हुआ इसके सेकंड फॉर्म ग्रॉटल में तब इसे पता चला कि इसकी हैवी बॉडी की वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है जिसकी वजह से समवॉट इस पोकेमॉन का चार्म धीरे धीरे लूज होने लग गया। वेल एक पावरफुल पोकेमॉन को ऐसे वीक होते हुए देखना काफी ज्यादा सैड था, पर फिर भी ग्रॉटल काफी अच्छी बैटल्स कर रहा था। बट फिर जब ये पोकेमॉन इवॉल्व हुआ इसके फाइनल फॉर्म टॉर्टेरा में तब इसने अपना पूरा मोमेंटम खो दिया। ऐश ने इस पोकेमॉन को बैटल में यूज करने की काफी कोशिश की पर टॉर्टेरा अपने आप को उन बैटल्स में प्रूव नहीं कर पाया जिसकी वजह से ऐश ने इस पोकेमॉन पर अटेंशन देना कम कर दिया। वेल मुझे ये लगता है कि अगर ऐश ने इस पोकेमॉन की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई होती और इस पोकेमॉन को उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स के बारे में बताया होता तो टॉर्टेरा उन पर काम कर खुद को इम्प्रूव कर सकता था। बट लैक ऑफ अटेंशन एंड लिटिल ट्रेनिंग की वजह से ये पोकेमॉन सीरीज के एंड तक उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रह पाया। तो अब बात करते हैं इन्फर्निप की। नाउ इस पोकेमॉन की जो बैक स्टोरी है वो थोड़ी सी ट्रेजिक एंड कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये पोकेमॉन ओरिजिनली पॉल का पोकेमॉन था जिसे वो काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये पोकेमॉन ज्यादा पावरफुल नहीं है। वेल इसी बैड बिहेवियर एंड अब्यूज की वजह से ये पोकेमॉन इवेंचुअली ऐश की टीम को ज्वाइन कर लेता है और फिर इस पोकेमॉन का सफर शुरू होता है ऐश के बेस्ट पोकेमॉन्स में से एक बनने का, क्योंकि जल्द ही हमें ये पता चलता है कि ये पोकेमॉन एक इनसेनली पावरफुल पोकेमॉन है जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग और थोड़ी सी केयर की जरूरत है क्योंकि ये पोकेमॉन अपनी एंगर को या फिर अपनी रेज को कंट्रोल नहीं कर सकता था। बट ऐश इस पोकेमॉन की प्रॉपर केयर करके इसकी ट्रेनिंग करवाता है एंड श्योरली ये पोकेमॉन जल्द ही इसके सेकंड फॉर्म मॉनफर्नो और फिर बाद में इवॉल्व हो जाता है इसके लास्ट फॉर्म इन्फर्निप में।
वेलिस पोकेमोन ने एश की टीम में रहकर काफी सारी अमेजिंग ट्रेनर बैटल्स एंड जिम बैटल्स खेली है। वेल डेफिनेटली ये पोकेमोन एक पावर हाउस था जो कि अपनी अबिलिटी ब्लेस को एक्टिवेट करने के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंच जाता था। वेलिस पोकेमोन ने पॉल को भी गलत प्रूव किया और उसके इलेक्ट्रावायर को एक एपिक बैटल में काफी अच्छे तरीके से हरा दिया। तो ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि एश ने इस पोकेमोन की काफी सही ट्रेनिंग करवाई थी एंड ये पोकेमोन अपने आप में पावरफुल तो था ही, जिसकी वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड था वो काफी अच्छा बन चुका था इस सीरीज में। वेल अब नेक्स्ट पोकेमोन है एश का बुइजल। नाउ एश ने जब सिनो रीजन में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तब समहाउ उसका ए पॉम उसके साथ उसके पिछले रीजन से इस रीजन में आ गया, बट पर्टिकुलरली इस ए पॉम को बैटलिंग में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर एक दूसरा पोकेमोन जो कि डॉन की टीम में जस्ट ऐड हुआ था उसे कॉन्टेस्ट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो बैटलिंग को काफी इंजॉय किया करता था। तो फिर क्या, एश और डॉन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पोकेमोन्स को ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग के बाद एश को मिला उसका बुइजल। ये पोकेमोन पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी एश ने ज्यादा ट्रेनिंग तो नहीं करवाई, बट फिर भी इसका एश के साथ एक काफी अच्छा कनेक्शन बन चुका था क्योंकि ये पोकेमोन एश के कमांड्स को बैटल में बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया करता था और एक फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन होने के बावजूद इस पोकेमोन ने काफी एपिक बैटल्स की है। एंड यस, अगर ये पोकेमोन इसके फाइनल फॉर्म फ्लोटजल में इवॉल्व हो जाता तो और भी ज्यादा यूजफुल हो सकता था, बट इसके बावजूद भी ये पोकेमोन एनिमे में बहुत ज्यादा ऑसम था। तो अब नेक्स्ट है ग्लाइस्कॉर। वेल एश ने इस पोकेमोन को एक ग्लाइगर के रूप में पकड़ा था और ये पोकेमोन पहले से ही एश को काफी पसंद किया करता था एंड जस्ट टू शो हिज पावर ये पोकेमोन जल्दी इवॉल्व हो गया इसके फाइनल फॉर्म ग्लाइस्कॉर में। बट ग्लाइस्कॉर में इवॉल्व होने के बावजूद इस पोकेमोन ने अपनी प्रीवियस पर्सनैलिटी को कंटिन्यू रखा जो कि देखना काफी ज्यादा फन था और एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होने की वजह से एश इस पोकेमोन को बैटल्स में भी ज्यादा यूज करने लग गया था, जिसकी वजह से डेफिनेटली इस पोकेमोन को प्रॉपर बैटलिंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा था एंड द लिली ऑफ वैली कॉन्फ्रेंस और बाकी ट्रेनर बैटल्स में ये पोकेमोन काफी बेहतरीन था। सो ऑल इन ऑल ग्लाइस्कॉर वॉज एन अमेजिंग पोकेमोन। एंड लास्टली अब बात करते हैं गिबल की। तो इस पोकेमोन के बारे में रियली मैं बात करना चाहता था बिकॉज ये पोकेमोन एश का पहला ड्रैगन टाइप पोकेमोन था एंड इस पोकेमोन के बिहेवियर एंड पर्सनालिटी को देखना बहुत फन था। तो इनिशियली गिबल ने एश का पीछा किया था बिकॉज ये पोकेमोन अपने एक मूव जो कि था ड्रेको मीटियर उसे मास्टर करना चाहता था, विच फॉर सम रीजन हमेशा डॉन के पिपलप को ही जाकर लगता था। बट इवेंचुअली इस पोकेमोन ने एश की टीम को ज्वाइन इन कर लिया और खुद को एक फनी एंड स्ट्रॉन्ग पोकेमोन की तरह प्रेजेंट किया। वेल ये पोकेमोन भी इनसेनली पावरफुल था बिकॉज इस पोकेमोन ने ड्रेको मीटर जैसे पावरफुल मूव को मास्टर कर लिया था, वो भी इसके फर्स्ट एवोल्यूशन स्टेज में। एंड ये पोकेमोन बैटल्स में भी बहुत ज्यादा ऑसम था। गिबल अपनी पावर को काफी अच्छी तरीके से शोकेस कर रहा था एंड लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस और द फ्रंटियर में इस पोकेमोन ने अपने आप को काफी प्रूव किया था। वेल गिबल एश की टीम में थोड़ा सा लेट ऐड क्यों ना हुआ हो, बट इस पोकेमोन ने इस एनिमे सीरीज में अपना काफी अच्छा इम्पैक्ट दिया था एंड श्योरली अगर ये पोकेमोन इसके फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म यानी कि गार्चोंप में इवॉल्व हो जाता तो लिटरली ये पोकेमोन एक मॉन्स्टर बन सकता था। इस पोकेमोन में पूरा पोटेंशियल था इसके सेकेंड फॉर्म या फिर इवन इसके थर्ड फॉर्म को अचीव करने का। तो एश अगर इस पोकेमोन को अपने साथ सिर्फ कुछ और एपिसोड्स के लिए रखता या फिर इसे नेक्स्ट रीजन यानी कि यूनोवा में अपने साथ लेकर जाता या फिर जैसे एपॉम चुपके से एश के साथ आ गया था वैसे ही अगर गिबल भी चला जाता तो मे बी हमें एश की टीम में एक गार्चोम देखने मिलता। ये पोकेमोन ट्रूली काफी ज्यादा पावरफुल था एंड अगर ये पोकेमोन इवॉल्व हुआ होता तो डेफिनेटली ये 4000 सेप्टाइल या फिर इन्फर्नेप के लेवल तक पहुँच सकता था और गिबल ने एश के साथ एक काफी अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था। तो अगर ये पोकेमोन इसके फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म में पहुंच जाता तो ये एश के बेस्ट पोकेमोन्स में जरूर आ जाता। तो इस टीम को देखकर ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ये एक काफी इनसेन टीम थी, बट जिस तरह से इस सीरीज का एंड हुआ मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि इस सीरीज को एक बेटर एंडिंग की जरूरत थी क्योंकि एश ने इस सीरीज में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस किया था, बट इसके बाद के जनरेशन यानी जनरेशन 5 की टीम में हमें इसका उल्टा देखने मिला। तो ऐसे टर्म्स में ये कहना गलत नहीं होगा कि एश की सिनो टीम ऑलमोस्ट परफेक्ट थी एंड प्लस ये काफी ज्यादा रेयर है कि हमें एश की किसी भी टीम में दो फुल्ली इवॉल्व स्टार्टर पोकेमोन्स देखने मिले। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि एश की सिनो टीम को थोड़ा सा और रिकॉग्निशन जरूर मिलना चाहिए। ये टीम ओवरऑल काफी ज्यादा सुपर्ब थी एंड श्योरली किसी भी टीम को अगर थोड़ी सी और ट्रेनिंग दी जाए और थोड़ा और एक्सपीरियंस दिया जाए तो वो बेहतर बन सकती है, बट एश ने उस टाइम के हिसाब से इन पोकेमोन्स की काफी अच्छी ट्रेनिंग करवाई थी और इन्हीं रीजंस की वजह से मुझे ये लगता है कि एश की सिनो रीजन की टीम ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। तो लेट मी नो कि आपको क्या लगता है एश की डायमंड एंड पर्ल की टीम के बारे में,
क्या इस टीम में कोई नया पोकेमॉन एड इन होना चाहिए था, या फिर टीम के किसी पोकेमॉन को रिप्लेस होना चाहिए था किसी और दूसरे पोकेमॉन से? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ऑल्सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो फाइनली मैं सुनाई दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना भी मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।